सुस्वागतम स्टूडेंट, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपका चैप्टर चैप्टर 12 हिंदी की गिनती 1 से 20 तक। अभी देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 वस्तुओं को गिनकर संख्या शब्द में लिखो। अभी देखिए, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो अभी 7 लिखना है आपको यहाँ पर। फिर 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 लिखेंगे यहाँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ 9 लिखेंगे। आपको हिंदी की गिनती सीखनी है 1 से 20 तक, अंक पढ़कर सही शब्द पर राइट लगाओ। तो 11, 11, 13, 16, 15 नहीं है, 19 है ये। तो आपको गिनती पहचान कर लिखना है, इसी का प्रैक्टिस करना है। अभी 13 चैप्टर भी हम साथ में देख लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर छोटा है। देखिए, रचनात्मक अभिव्यक्ति, चित्र का वर्णन। अभी चित्र का वर्णन है, राम अपनी छोटी बहन के साथ पार्क में आया। वहाँ रोहन अपनी बहन रिया को झूला झूला रहा है। रोहन का कुत्ता रेनी भी वहीं बैठा हुआ है। तितलियाँ उड़ रही हैं, मेंढक और बतख भी उन्हें देख रहे हैं। पेड़ पर गिलहरी बैठी हुई, फूल खिले हुए हैं, सब खुश है। चित्र में जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में लिखना या बताना चित्र का वर्णन कहलाता है। तो इसी तरह का चित्र का वर्णन एक रचनात्मक प्रवृत्ति है, तो इसलिए इस चित्र का वर्णन अपने शब्दों में करें। अब देखिए, एक बच्चा है जो रो रहा है, एक डॉगी है, आम का पेड़ है, आम लगे हुए हैं, नीचे फूल लगे हुए हैं। आपको इसमें जिस प्रकार भी दिख रहा है, तो चित्र का वर्णन ही आप लोगों का होमवर्क है। तो आप लोग इसमें लिख कर रखिए, फिर कल मैं इसको बताऊंगी एक्सप्लेन करके। आज बस इतना ही।